हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वोट एक्सटेंड स्मार्ट वॉच का स्क्रीन गार्ड किस तरह लगाना है। स्क्रीन गार्ड लगाते वक्त किन किन बातों या किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। आप ऑनलाइन परचेज करने के बाद आप खुद से ही स्क्रीन गार्ड लगा सकते हो। स्क्रीन गार्ड लगाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन गार्ड लगाने से ये बेनिफिट है कि डिस्प्ले पे स्क्रैचेज नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैंने ये प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज किया है। इस बॉक्स में मुझे मिलता है ये कार्ड मिला है जो कि बबल को हटाने में काम आएगा, और ये वेट वाइप्स और ड्राई वाइप्स पेपर है, और ये मेरा स्क्रीन प्रोटेक्टर है जो कि इसमें दो पैकेट दिया हुआ है। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। तो पैकेट के अंदर दो स्क्रीन गार्ड है, तो एक को हम साइड में रख देते हैं और एक स्क्रीन गार्ड को हम अपने स्मार्ट वॉच के ऊपर लगाएंगे। तो स्मार्ट वॉच का जो डिस्प्ले है उसको हम पहले क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के लिए पैकेट के अंदर यहाँ पे पेपर दिया हुआ है, तो इस पेपर से हम क्या करते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद ये जो स्क्रीन गार्ड है इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये जो ऊपर का जो लेयर है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, फ्रंट कौन सा रखना है, बैक कौन सा रखना है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन के अनुसार हमें ये स्मार्ट वॉच के ऊपर हमको लगाना है। तो फर्स्ट में क्या करना है, ये जो ऊपर का जो लेयर है उसको हटाना है, ठीक है। उसको हटाने के बाद क्या करना है, अब अपना वॉच के ऊपर लगा देना है, ठीक है। तो आपको इस तरह से लगाना है। आपको जो बबल दिख रहा है ये बबल के ऊपर आप ये जो कार्ड है, कार्ड से आप बबल को रिमूव कर लो। बाकी जो भी बबल बचे हैं वो उसको आप छोड़ दो, ऑटोमेटिक वो सही हो जाएगा। कंपनी दावा करता है कि 24 घंटे में आपका बबल रिमूव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने स्मार्ट वॉच के ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाकर ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।